हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला बुधवार को कैथल में थे। सुभाष बराला ने नागरिकता संशोधन एक्ट पर विवादित बयान पर विधायक लीला राम गुर्जर का बचाव किया। सुभाष बराला ने कहा कि लीला राम गुर्जर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। मुझे लगता है इस विषय के ऊपर काफी बातें हो चुकी हैं और मैंने भी कल चंडीगढ़ के अंदर जो प्रेस थी उसके अंदर इस बात को स्पष्ट किया है। इसकी मैंने कल विधायक जी से व्यक्तिगत बातचीत कर ली थी और ये एक किसी दूसरे संदर्भ में बात कही गई थी, उसको दूसरे संदर्भ में कई बार बातें आगे निकल जाती है। जेजेपी के विधायक राजकुमार गौतम की बगावत के संदर्भ में सुभाष बराला ने कहा कि प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है और सब विधायक चाहे वो जेजेपी के हैं चाहे निर्दलीय हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो इस बात के प्रयास में लगे। सुभाष बराला ने कैथल में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। सुभाष बराला ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से संगठन के चुनाव की प्रक्रिया को गति देने पर विचार किया गया। हमारी यहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक हुई है और ये कोर ग्रुप की बैठक हमारे समय समय पर होती रहती है। इसमें कोई तय एजेंडा नहीं होता लेकिन क्योंकि अभी हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है और कुछ अन्य कार्यक्रम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है उसके ऊपर कल कुछ कार्यक्रम तय करेंगे, ऐसे संगठन के चुनाव और चुनाव से लेकर के अब तक की जो गतिविधियां इन सब बातों के ऊपर चर्चा आज की इस बैठक के अंदर हुई है। और जहां तक संगठनात्मक चुनाव की बात है इस जिले में जो बूथ समितियों का चुनाव वो काफी अच्छे तरीके से चला है और पूरे प्रदेश के अंदर हमने पहले इसको 25 तारीख तक तय किया था लेकिन कुछ स्थानों के ऊपर बूथ समितियों का पूरा गठन नहीं हुआ है इसलिए इस पूरे महीने बूथ समितियों का चुनाव हमारा चलेगा, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा सरकार को दरपेश आर्थिक संकट और जेजेपी के बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि के वायदे के प्रश्न पर सुभाष बराला ने कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाएगा। देखिए निश्चित रूप से जब व्यक्ति चुन करके आते हैं तो नए परिदृश्य में बहुत सारी बातों के ऊपर विचार करना होता है और अगर जो आर्थिक स्थिति है प्रदेश की उसके आधार पर अगर फैसले नहीं लिए जाएंगे तो फिर प्रदेश के लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए जनहित को देखते हुए तो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति उसको देखते हुए सरकार ने दोनों में 5 साल में भी फैसले लिए और 5 साल में भी इस प्रकार के फैसले लिए कि एक ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चली जो जिसने कोई पॉपुलरिटी जिसकी कम नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम जब दोबारा चुनाव में गए हमारा 3.5% वोट लेकर के आया तो ऐसी ही आर्थिक स्थितियों के अंदर ठीक समय के ऊपर ठीक फैसले लिए गए इसलिए सरकार अच्छी चली और ऐसे ही फैसले अब हमारी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार ने इस प्रकार के फैसले लेते हुए और समय आने पर उचित फैसले लेकर के आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लीला राम गुर्जर के विवादित बयान के संदर्भ में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।